आज हम बनाने वाले हैं गोंड आर्ट पेंटिंग। ये हमारे पास पेपर है, इसके ऊपर हम बड़ा सा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक हिरन का ड्राइंग बनाने वाले हैं, और जो हिरन बनाने वाले हैं वो अलंकारिक डेकोरेटिव फॉर्म में होता है, रियलिस्टिक नहीं। बड़ा ही फेमस आर्ट है गोंड आर्ट मध्य प्रदेश का। इस आर्ट में प्राकृतिक दृश्य को दिखाया जाता है, जैसे पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, पशु पक्षी एवं हिंदू देवी देवताओं पर आधारित होता है। यह आर्ट गोंड समुदाय का होता है, इसीलिए इसी का नाम गोंड आर्ट पड़ा है। गोंड आर्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यहाँ पर हम दो हिरन बनाने वाले, दो डियर ड्रॉ करने वाले हैं, डेकोरेटिव फॉर्म में, रियलिस्टिक नहीं होता, इसलिए ध्यान से बनाना है। थोड़ा अपने मन से भी बना सकते हैं। इस टाइप से लाइट लाइट ड्रॉ करना है। पेपर के नीचे साइड हम ड्रॉ कर रहे हैं और ऊपर साइड में हम एक पेड़ भी बनाने वाले हैं। तो इस टाइप से लाइट लाइट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ पंछी ड्रॉ करना है तो पंछी ड्रॉ कर सकते हैं, या और भी हिरन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पर हम एक बड़ा सा पेड़ बनाते हैं। तो नीचे से स्टार्ट किया है और डेकोरेटिव फॉर्म है, उसकी जो ब्रांचेस है, जो टहनी है वो डेकोरेटिव फॉर्म में, और इसके जो पत्ते रहेंगे, लीफ रहेंगी, वो भी डेकोरेटिव फॉर्म में रहेगी। तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम हमारे मन के हिसाब से भी पेड़ बना सकते हैं, और पेड़ के ऊपर हमें कुछ बर्ड ड्रॉ करना है, कुछ पंछी ड्रॉ करना है तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी डेकोरेटिव फॉर्म होना चाहिए, रियलिस्टिक नहीं। तो यहाँ पे हम पेड़ का तना ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम उसके पत्ते ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉप के जैसा ड्रॉ करना है, ऊपर से कर्व करते हुए नीचे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़े से ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर नीचे, और जो हिरन है वो पेड़ के पत्ते खा रही है ऐसा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे पत्ते ड्रॉ कर लिए। गोंड चित्र शैली और ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी शैली दोनों मिलते जुलते आर्ट फॉर्म हैं लगभग लगभग। तो ये जो हमने ट्री बनाया इसको हम इस टाइप से डिज़ाइन कर लेते, पार्ट पार्ट में करना होता है। तो यहाँ पे हिरन को भी इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम अपने मन के हिसाब से भी अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। गोंड पेंटिंग को पोस्टर कलर से भी बनाया जाता है। ये पोस्टर कलर है, इसमें हमारे मन चाहे कलर का यूज हम करके बना सकते हैं। ये पोस्टर कलर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पोस्टर कलर, और ये एक्रेलिक कलर्स है। तो हम एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्टर कलर का भी, नहीं तो हम वाटर कलर करने वाले हैं। ये वाटर कलर है, और साथ में ब्रश है, पॉइंट का ब्रश होना चाहिए, ब्लैक पेन है, इससे आउटलाइन करेगी। हम वाइट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस आर्ट फॉर्म में चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, हरा, इस टाइप से। गोंड आर्ट में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, जैसे मिट्टी के कलर, लकड़ी का कोयला, फूल पौधों की रस निकालकर उसके रंग बनाए जाते थे, और साथ में गोबर का भी यूज़ किया जाता था, गोबर से लीप के भी ये आर्ट फॉर्म बनाया जाता था। तो यहाँ पर हमने जो येलो शेड बनाए हैं, थोड़ा लाइट और डार्क शेड है, यहाँ पे हम हमारे मन के हिसाब से भी रंग कर सकते। तो कुछ पार्ट में हमने लाइट येलो रखा और कुछ में डार्क शेड, उसी टाइप से येलो का ये ट्री हो गया। इसके बाद जो दूसरा हिरन बना रहे वहाँ पर हम लाइट ब्लू, डार्क ब्लू के शेड यूज़ करें। हमारे मनपसंद कलर भी हम इसमें भर सकते हैं, और लाइट लाइट करना है, वाटर कलर है, पानी का ही कलर है, इसलिए लाइट लाइट करना पड़ता है। ज़्यादा ब्रश को घिसा तो पेपर के रोए बाहर आते हैं। हल्के हल्के हाथ से ब्रश पीछे पकड़ के रखना है और हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने एक लाइट ब्लू, डार्क ब्लू का कर लिया, दूसरा हम रेड और ऑरेंज कलर्स, नारंगी और लाल रंग का प्रयोग करके हम दूसरे हिरन में कलरिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से पॉइंट वाले ब्रश से करना है, बहुत बड़ा रहेगा तो बड़े ब्रश का यूज़ करना है, अदरवाइज छोटे ब्रश का यूज़ करके अच्छे से कलरिंग करना है। आउटलाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड नहीं बनाते हैं,
तो इस टाइप से हम यहाँ पर वाइट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम ब्लैक पेन यूज़ करने वाले हैं डिज़ाइन के लिए। गोंड आर्ट शैली में रेखाओं का बड़ा महत्व है, तो यहाँ पे जो लाइन आर्ट होता है और डॉट और डैश, इन तीनों चारों चीज़ों से मिलता जुलता ही आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। तो इसमें प्राय डॉट होती है, लाइन से होती है, तो लाइन अलग अलग टाइप की हो सकती है तो उनका यूज़ करना है, डॉट छोटे बड़े हो सकते हैं उनका यूज़ करना है, डैश डैश करना है, तो इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है। हमें पेन से नहीं करना है तो हम ब्रश से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करके कर सकते हैं, पॉइंट का ब्रश यूज़ करके वाइट का कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जो पेन अवेलेबल होगा उससे भी हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने पिछले लेसन में वारली आर्ट और मधुबनी आर्ट सीख चुके हैं, इस बार हम गोंड आर्ट बना रहे, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम पेन से डायरेक्ट लाइंस ड्रॉ करते, तो ये लाइंस एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं, अलग अलग टाइप की लाइंस हो सकती है, तो लाइंस का पैटर्न भी हम हमारे मन के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस टाइप से पूरा का पूरा अच्छे से भर देते हैं और फेस के ऊपर डॉट डॉट, क्योंकि हमने डैश और डॉट का भी बताया है तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइंस का यूज़ करना है, डैश डैश का यूज़ करना है और कुछ हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी हम उसमें डिज़ाइन बना सकते, कुछ नया पैटर्न बना सकते। इस आदिवासी कला को फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये आदिवासी समुदाय से आता है जो कि गोंड समुदाय होता है और बड़ा ही फेमस आर्ट फॉर्म है। आने वाले नए वीडियो में भी हम अलग अलग टाइप के भारत के फोक आर्ट के वीडियो बनाने वाले हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको नया नया पेंटिंग देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बड़े ही सिंपल टेक्निक से बनाया जाता है। अब ये आर्ट फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में ही आग बनाते हैं, क्योंकि आग बन जाने के बाद उसमें पूरी सजीवता आ जाती है और सुंदर दिखाई देता है। तो इस टाइप से पूरा बन जाने के बाद इसको हल्के हाथ से इरेज कर लेना है जहाँ जहाँ पे पेंसिल का था। आपको पेंटिंग अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।